Hey guys, welcome back to another video. तो बहुत टाइम हो चुका है, तुम्हें किसी गेम की सेटिंग के बारे में नहीं बताया, किसी गेम के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दी. तो इसीलिए नहीं दी क्योंकि मैं सीख रहा था खुद. तो अभी मुझे लगता है कि मैं जितना सीख चुका हूँ, मुझे तुम लोगों को भी सिखाना चाहिए. तो इसीलिए गाइस, आज इस वीडियो से अपन लोग स्टार्ट करने वाले एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर मैं तुम्हें गेम्स के रिलेटेड कोई भी गेम हो जो तुम बोलोगे उससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, एंड उससे रिलेटेड तुम्हें पूरी की पूरी सेटिंग्स बताऊंगा जिससे तुम लोग बन सकते हो प्रो, एकदम प्रो गेमर. तो लेट्स गो. आज की वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ क्राफ्टिंग एंड वेल्डिंग के अंदर तुम प्रो कैसे बन सकते हो, उसके रिलेटेड सेटिंग्स एंड उसके रिलेटेड प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत मैं तुम्हें नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बताऊंगा. अगर तुम इस वाली सीरीज़ को प्यार देते हो तो ये वाली सीरीज़ कहीं से कहां पहुंच सकती है, क्योंकि यार मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं जो मैंने सीखा है. सो लेट्स गो, आज की वीडियो को शुरू करते हैं. अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए. सो लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं हमारी गेम की सेटिंग्स के अंदर. तो सबसे पहले सेटिंग्स आती है हमारी गेम की, उसके अंदर तुम्हें और कुछ नहीं छेड़ना है. बस अगर तुम नए हो गेम क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के अंदर, वो वाली सेटिंग बता रहा हूँ. तुम्हें अपना वर्ल्ड की जो सेटिंग है उसके अंदर जाके जो तुम्हारे शो कोऑर्डिनेट्स वाला होगा उसको ऑन कर देना है. बस उसको ऑन करने के बाद तुम्हें और कोई चीज़ नहीं रह जाती इस वाली गेम वाले सेक्शन के अंदर जो तुम्हें ऑन करनी है या ऑफ करनी है. बस सब कुछ सिंपल है. जब तुम गेम को अपना वर्ल्ड बनाते हो सबसे पहले, तभी तुम्हें सारी की सारी सेटिंग्स ऐसे ही मिलती है, वैसे ही रहने दो. बस अपनी जो तुम्हारी डिफ़िकल्टी है, वो तुम नए हो गेम के अंदर तो तुम उसको यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल ईजी वो जैसे है तुम रख सकते हो. एंड यहाँ पर फिर तुम्हें स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर दिखने लग जाएंगे तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स. उसके बाद चलते अपनी नेक्स्ट सेटिंग के अंदर. मल्टीप्लेयर के अंदर तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें जाना है टच के अंदर. टच के अंदर जाकर तुम्हारी जो सेंसिटिविटी है वो कैसे काम करती है, मुझे पता है तुम में से काफ़ी लोग प्रो होंगे, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जो नए हैं उनको बता रहा हूँ, जो सेंसिटिविटी अगर तुम जीरो पे रखते हो तो मेरा ये देख सकते हो तुम सर्कल, ये मेरा मैं मूवमेंट कर रहा हूँ लेफ्ट एंड राइट में, और अभी देखना जब मेरी 100 पर है. तो यही होती है हमारी सेंसिटिविटी, हम कितना हम अपनी गेम को अपना स्मूथ चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये देखो. अगर जीरो पर रखोगे तुम्हारी काम नहीं करेगी, ज़रा सा भी काम नहीं करेगी, तुम्हारी स्क्रीन मूवमेंट नहीं करेगी. अगर 100 पर कर देते हो, 100 पर कर देते हो तो तुम्हारा बहुत खतरनाक वाला तेज़ी से होने वाले. तो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कितनी रख सकते हो. तुम 40 से लेकर 60 के अंदर कोई भी रख सकते हो, यानी कि 50 रख सकते हो, 55 रख सकते हो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है. वो तुम्हें जब तुम खेलते जाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ 40 से लेकर 60 के अंदर कहीं पर भी रख लो, तुम्हारा हाथ बैठ जाएगा. उसके बाद तुम्हें टच के अंदर ही जाकर ऑटो जंप को ऑफ कर देना, एंड डिस्ट्रॉय ब्लॉक वाला वाइब्रेट वाला है उसको जाके ऑफ कर देना, क्योंकि यार काफ़ी लोगों की ना जो डिवाइस होती है वो थोड़ी सी कम कैपेसिटी वाली होती है, और उसकी वाइब्रेशन मोटर जब अपन लोग ब्लॉक तोड़ते हैं तो बहुत तेज़ी से होता है और लैग फील होता है, इसके लिए उसको ऑफ कर देना. एंड स्प्लिट कंट्रोल्स की ऑप्शन है उसको जाके ऑन कर देना, क्योंकि अब तुम देख सकते हो मेरे ब्लॉक वाली जगह वहाँ पर तुम्हें प्लस दिख रहा होगा, वो इसी के साथ होता है. एंड लेफ्टी इसको भैया भूल कर भी ऑन मत कर देना, क्योंकि तुम्हारे जो कंट्रोल होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे, जो राइट वाली साइड में होगा ब्लॉक वो हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट के अंदर. जो भी मतलब अपना कंट्रोलर है सॉरी, वो तुम्हारा लेफ्ट वाला राइट चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट चला जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होता है इसके साथ. एंड स्वैप जंप एंड स्नीक, इसको तुम मैं बोल सकता हूँ कि तुम 50-50 हो, मैं इसके लिए तुम कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, क्योंकि जब तुम्हारा नॉर्मली तुम्हारा जो जंप वाला बटन तो राइट वाली साइड में होता है, लेकिन जब तुम स्वैप जंप एंड स्नीक वाली ऑप्शन को ऑन कर देते हो तुम्हारा वो जंप वाला बटन चला जाता है तुम्हारे कंट्रोलर लेफ्ट साइड के अंदर, उसके अंदर जो बीच वाली जगह दिख रही है उसके अंदर. ये आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे, इस वाले टॉपिक के बारे में. तो इसको तुम लोग ऑफ ही रखना अगर नए हो तो. एंड टच ओनली इफेक्ट द हॉट बार, इसको ऑन नहीं करना, ये तभी करना अगर तुम अपने फ़ोन के साथ कंट्रोलर लगा के खेल रहे हो या कीबोर्ड वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है. तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद वो तुम्हारा बटन का साइज है, इसको याद रख लो, इसको तुम अपना जितना मैक्सिमम रख सकते हो, तुम्हारे हैंड के हिसाब से तुम्हारा हाथ कितना बड़ा है उसके हिसाब से तुम्हारी उंगलियाँ कितनी बड़ी हैं उसके हिसाब से रखना है. क्योंकि मैं तो तुम्हें पक्का बोल रहा हूँ, तुम चाहे गेम पे रिकॉर्ड कर रहे हो, यूट्यूबर हो, जो मर्जी हो, इसको बड़ा करके रखो, क्योंकि अगर ये छोटे हो, तुम्हारे कंट्रोल छोटे होंगे तो तुम अच्छे से यार लड़ नहीं पाओगे एंड प्रो नहीं बन पाओगे, ठीक है. इसको जल्दी जाके अपना साइज़ बड़ा कर लो अपने बटन्स का. उसके बाद ये देख सकते हो तुम मेरी सारी की सारी सेटिंग्स, इसको स्क्रीनशॉट ले लो रोककर. एंड उसके बाद आ जाता है वीडियो सेटिंग के ऊपर, तुम्हारी जो ब्राइटनेस है उसको फुल कर लो. क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग यार प्रो बनने की राह पे जाने वाले हो, तो तुम्हें जाकर काफ़ी सारी गहरी गहरी केव्स के अंदर जाना पड़ेगा. एंड क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के अंदर अभी नया अपडेट आया, उसको जाकर अपडेट करो अपनी गेम को. अगर तुमने नहीं किया है तो तुम्हारी जो गेम है उसके अंदर वाइल्ड अपडेट आ चुका है, जिसके अंदर गहरी गहरी केव्स है एंड बहुत खतरनाक है, अंधेरा आने वाला है, इसके लिए ब्राइटनेस फुल रखो. एंड उसके बाद जो हमारी ऑप्शन है हाइड हैंड, उसको अगर तुम ऑन करते हो, तुम्हारा जो लेफ्ट राइट हैंड है वो
अपना हाइड हो जाता है, इसको ऑन नहीं करना, ठीक है? क्योंकि यार अगर अपने हाथ दिखता रहता तो अपन को थोड़ा सा पता लगता रहता है कि अपन लोग मोमेंट कर रहे हैं, अपना हाथ चल रहा है अच्छे से। उसके बाद आ जाता है हाइड पेपर डॉल। तो अपना लेफ्ट साइड में देखो मेरे, इसको अगर मैंने ऑन कर दिया तो मेरी, अभी देखना जब मैं इसको ऑफ कर दूंगा, इसको ऑफ ही रखना है, एंड अभी देखना जब मैं क्राउच करता हूँ तो वो देखो लेफ्ट साइड के अंदर तुम्हें मेरी डॉल दिख रही है, जो मतलब मेरा करेक्टर दिख रहा होगा वो छोटी सी डॉल के टाइप का है। इसको तुम ऑफ रखोगे तो तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा। वैसे मेरा फ़ायदा एक ही होता है कि मैं जब भी खेल रहा होता हूँ तो मैं अपनी जो स्किन रहती है उसको देखने के लिए, शो ऑफ करने के लिए इसको ऑन रखता हूँ, मतलब इसको ऑफ करके रखता हूँ। ऑफ करोगे तो भी तुम्हारी ये शो करेगा, ठीक है? उसके बाद वीडियो सेटिंग के अंदर नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्क्रीन एनिमेशन। ये हमारा स्क्रीन के ऊपर जो भी कोई एनिमेशन होती है उसके बारे में है। जैसे मैं कोई ब्लॉक के ऊपर ये कर रहा हूँ तो उसके अंदर से थोड़े से क्रिस्टल निकल रहे हैं, कुछ भी इफेक्ट आता है वो इसी के साथ होता है। उसके बाद तुम्हारी हुड ओपेसिटी है, उसको तुम लोग फुल रखो। उसके बाद एफओवी है, ये सबसे बेहतरीन एंड सबसे कमाल का पॉइंट आ जाता है, इसको कैसा रखा, कितना रखा जाए। तो अभी तुम अपनी जो अपनी एफओवी है उसको रख सकते हो 80-40 डिग्री, ठीक है? ये वाली 80.40 डिग्री इसको रख लो। इससे कुछ गलत बलत नहीं होता है। इसके साथ जो अपना अपने प्लेयर का विज़न होता है, कितनी दूर तक देख सकता है अपनी स्क्रीन पर, कितनी अपनी स्क्रीन पर उसका विज़न आना चाहिए, वही सेट होता है। उसके बाद अपना आ जाता है हमारा आउटलाइन सिलेक्शन। इसको ये तुम्हारा ऑफ होगा या ऑन होगा तुम्हें ऑन रखना है, क्योंकि तुम मेरा ये ब्लॉक देख सकते हो, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करके रख रहा हूँ तो अभी ये थोड़ा सा वाइट दिख रहा है, लेकिन इसके ब्लॉक के चारों तरफ मुझे कोई आउटलाइन नहीं दिख रही। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ एंड अभी देखना, जो मेरा ब्लॉक है उसके चारों तरफ देखो, मुझे एक स्क्वायर टाइप की एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी, तुम्हें एक डब्बा सा दिख रहा होगा, वो इसी ऑप्शन के साथ होता है। ये तुम्हारी बहुत हेल्प करता है अगर किसी ब्लॉक के ऊपर तुम्हें तोड़ना है या कुछ भी करना है, ठीक है? इसको ऑन रखना है। एंड इन गेम प्लेयर नेम अगर तुम मल्टीप्लेयर खेलते हो तभी के लिए है। एंड व्यू बॉबिंग, इसको भी मैं 50-50 बोलूँगा, क्योंकि अगर तुम्हारी डिवाइस अच्छी है तो तुम इसको ऑन रख सकते हो, अगर तुम्हारी डिवाइस अच्छी नहीं है तो तुम्हारी गेम लैग करेगी, पक्का लैग करेगी, क्योंकि तुम्हारा करेक्टर लैग करता हुआ देखेगा, अच्छे से खेल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो राइट हैंड होता है इसके साथ वो मोमेंट कर रहा है ना अभी मेरा, क्योंकि ये मेरा ऑन है इसीलिए कर रहा है। तो इसको तुम्हारे ऊपर है तुम्हें ऑन रखना है या नहीं, भाई तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद अपना इसको मैं तो ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि यार मुझे चाहे मेरी डिवाइस कितनी भी अच्छी हो, मुझे मेरा हाथ हिलता हुआ अच्छा नहीं लगता। एंड ऐसे एक तरफ ऐसे ना करके अभी देख सकते हो मेरा हाथ एकदम स्टिल है, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत रियलिस्टिक फील चाहिए, तुम्हारा हाथ भी हिलना चाहिए, तब तुम उसको जाकर ऑन कर सकते हो। एंड उसके बाद कैमरा शेक, इसको भी तुम ऑन रख सकते हो। ये जब तुम अपनी गेम खेलोगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा इसकी क्या ऑप्शन का मतलब क्या होता है। उसके बाद फैंसी ग्राफिक्स आ गए। एंड उसके बाद आ जाती है अपनी एफओवी कैन अल्टर द भाई गेम प्ले। इसको अगर तुम ऑन करते हो तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या होता है। अभी मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखना, जब मैं भाग रहा हूँ एंड भागकर एक झटका सा आता है जब मैं रुकता हूँ, अभी देखना मैं पूरा स्प्रिंट करके भाग रहा हूँ एंड यो अभी मैं रुकूंगा एंड लेट्स गो, अभी मैं रुकना, जब मेरी स्क्रीन में भाग रहा हूँ वो पीछे को पुश हो जाती है, एंड अभी जब देखना जब मैं रुकता हूँ तब वो आगे को ऐसे जंप करती है, मेरी तरफ पॉपअप करती है। ये सब कुछ इसी वाली ऑप्शन की वजह से होता है। सो इसको भी तुम ऑन रख सकते हो, एंड अगर तुम्हें सही लगता है तो ऑन रख लो, ठीक है? उसके बाद गाइड स्केल जो अपना होता है, जीयूआई स्केल, इसको तुम भैया लिटरली अगर मैं तो तुम्हें कहूँगा ही नहीं, क्योंकि तुम -1 कर लो, तुम इसको 0 है तो अपना 0 ही रखो, क्योंकि यार ये देख सकते हो तुम, ये तुम्हारी जो जितने भी इन्वेंट्री स्लॉट्स है तुम्हारे सारा सब कुछ ये छोटा कर देता है यार, ये इससे अपन को अच्छे से खेल नहीं पाते। अगर तुम अपने फ़ोन को कीबोर्ड या माउस के साथ कर रहे हो तो तब तुम कर सकते हो, तुम्हें पीसी वाली फील देनी है तब। एंड रेंडर डिस्टेंस, अगर भैया मेरी मानो तो इसको कम ही करके रखो, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है थोड़े टाइम के लिए इसको बढ़ा लो, क्योंकि तुम्हें अपनी डिवाइस के साथ प्यार है ना, तो इसीलिए कम करके रखो, ज़्यादा मत करो। अभी कभी कभार ये गर्म हो जाता है फ़ोन इसके साथ, मैं पहले खेलता था मैं फुल करके रखता था, मेरा फ़ोन इतना गर्म हो जाता था कि भैया लिटरली जो ना मेरा एसी होता है उसके आगे चिपकाना पड़ता था गूंद लगाकर, समझ रहे हो? तो ये रही मेरी सारी की सारी वीडियो सेटिंग्स, इसको रोक कर तुम अच्छे से अपने सेट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यो ये रही अपनी सारी की सारी सेटिंग्स वाली गेम की। अगर तुम्हें आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसी वीडियो देख लेंगे, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर मेरे साथ कोई भी बात करनी हो। तो अगर तुम्हें ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो जल्दी से यार कमेंट करो इस वाली सीरीज़ को आगे मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।